आज के इस वीडियो में मैं आपको ऐसे 6 तरीके बताऊंगा कि जहां पे हम चैट जीपीटी का इस्तेमाल करके पैसे कमा सकते हैं, कम से कम 10,000 रुपीज पर डे के अकॉर्डिंग कमा सकते हैं। चैट जीपीटी एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जो हमारे क्वेश्चंस का ऐसा सॉल्यूशन देता है कि जैसे एक प्रोफेशनल हमें सॉल्यूशन दे रहा है। सबसे बड़ी बात क्या है कि चैट जीपीटी की एक्यूरेसी 99.99% है, लेकिन फिर भी चैट जीपीटी के आंसर में कहीं ना कहीं करेक्शन की रिक्वायरमेंट होती है। क्यों? क्योंकि हमारी थॉट क्या है, हमारे विचार क्या है, चैट जीपीटी सिर्फ उतना ही समझ पाएगा जितना हमने क्वेश्चन के अंदर लिखा हुआ है। आज की डेट में जितना भी यूथ है सारा एजुकेटेड है, सभी लोग एक टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करना जानते हैं। बहुत सारे प्रोफेशनल हो, चाहे वो कंटेंट राइटर हो, कोई डिजाइनर हो, कुछ भी हो, ये सभी लोग इस चैट जीपीटी का इस्तेमाल करके पैसे कमा सकते हैं। तो आइए शुरू करते हैं कि किस तरीके से हम पैसे कमाएं। सबसे पहले मैं बताऊंगा ब्लॉगिंग। बहुत सारे ब्लॉगर्स होते हैं जो अलग अलग साइट्स के ऊपर अपनी ब्लॉगिंग लिख के पैसे कमाते हैं, लोग उनके ब्लॉगिंग को पढ़ते हैं, उनको पेमेंट भी करते हैं, एड के थ्रू भी पैसे कमाए जा सकते हैं। ऐसी बहुत सारी साइट्स हैं, जैसे ब्लू हॉस्ट है, विक्स है, इसके अलावा और भी बहुत सारी साइट्स हैं। तो इसलिए एक ब्लॉगर इस तरीके से पैसे कमा सकता है। दूसरा तरीका मैं लेता हूँ कंटेंट राइटर का। कंटेंट राइटर आज की डेट में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है इस सोसाइटी के लिए, डिजिटल चैनल के लिए, डिजिटल प्लेटफॉर्म के लिए। क्यों? क्योंकि इतना ज़्यादा कंपटीशन मार्केट के अंदर आ गया है, डिजिटल प्लेटफॉर्म के ऊपर आ गया है कि हर एक, चाहे वो यूट्यूबर हो, इंस्टाग्राम पे कोई अपनी पोस्ट करता हो, या किसी को कंटेंट राइटिंग करानी हो न्यूज़पेपर के लिए, किसी मैगजीन के लिए, बेशक वो मैगजीन स्कूल कॉलेज कहीं के लिए भी इस्तेमाल हो रही हो, तो वहाँ पर कंटेंट राइटिंग का महत्व बहुत ज़्यादा है। अच्छे से अच्छा कंटेंट उसके अंदर होना चाहिए ताकि लोग उसको पढ़ें, देखें और अप्रिशिएट करें राइटर को। तीसरा तरीका मैं आपको बताऊंगा ट्रांसलेटर। ट्रांसलेटर क्या होते हैं? जो एक लैंग्वेज से दूसरी लैंग्वेज के अंदर किसी पैरा को, किसी बुक को ट्रांसलेट करके बताते हैं। ट्रांसलेटर को हायर कौन करता है? ट्रांसलेटर को काफ़ी सारी साइट्स हैं वो भी हायर कर लेती हैं, वो एज ए फ्रीलांसर भी काम करते हैं। इंडिया के अंदर जब कोई एक फॉरनर आता है, लैंग्वेज को समझने की प्रॉब्लम होती है, तो वहाँ पे भी हमें ट्रांसलेटर की रिक्वायरमेंट होती है। तो ट्रांसलेटर भी चैट जीपीटी का इस्तेमाल करके एक लैंग्वेज से दूसरी लैंग्वेज के अंदर किसी टेक्स्ट को, पैरा को कन्वर्ट करके भी पैसा कमा सकता है। बहुत सारी ऐसी साइट्स हैं जहाँ पे एक ट्रांसलेटर एक फ्रीलांसर की तरह काम करके अपनी कैपेबिलिटीज को दिखा सकता है। जैसे वो फ्री साइट्स क्या हैं, फीवर है, अपवर्क है, या उसके अलावा भी बहुत सारी साइट्स हैं। तो इस तरीके से ट्रांसलेटर भी पैसा कमाएगा। तीसरा तरीका मैं आपको बताता हूँ ईमेल मार्केटिंग। एक डिजिटल प्लेटफॉर्म, बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म है जहाँ पर ईमेल मार्केटिंग के थ्रू, व्हाट्सएप के थ्रू, टेली मार्केटिंग के थ्रू, टेक्स्ट मैसेज के थ्रू बहुत सारी लैंग्वेज डिजाइन की जाती है, एक एडवर्टीजमेंट डिजाइन किया जा सकता है। तो ये भी एक बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म है। क्यों? क्योंकि जितनी भी एडवर्टीजमेंट की लाइंस हैं, पैराज हैं, ये इस तरीके से लिखे और डिजाइन किए जाते हैं ताकि ये कस्टमर्स को अच्छे लगे और हमारे प्रोडक्ट को ये ज़्यादा से ज़्यादा अच्छे तरीके से प्रेजेंट कर सकें। तो चैट जीपीटी से हम ये पैरा, डिस्क्रिप्शन, ये सब बनवा सकते हैं। पांचवा तरीका मैं आपको बताता हूँ ई बुक राइटिंग। ई बुक राइटिंग क्या होती है कि कोई स्मॉल स्टोरीज, कोई एडवेंचरस स्टोरीज, कोई किड्स के लिए कोई छोटी स्टोरीज होती हैं, बेड टाइम स्टोरीज होती हैं, लव स्टोरीज होती हैं, इन सारी स्टोरीज को हम चैट जीपीटी के थ्रू ले सकते हैं। अब इन स्टोरीज का सवाल है कि हम पैसे कैसे कमाएंगे। अमेजोन के ऊपर ई बुक का एक प्लेटफॉर्म है अमेजोन किंडल के नाम से, वहाँ पे हम अपनी स्टोरीज को पोस्ट कर सकते हैं, सेल कर सकते हैं ऑनलाइन, ऑनलाइन मार्केटिंग भी कर सकते हैं अपनी स्टोरीज की, अपने कंटेंट की मार्केटिंग कर सकते हैं। इसके अलावा और भी बहुत सारी साइट्स हैं जहां पर हम अपनी स्टोरीज को, अपने राइटअप को पोस्ट करके पैसे कमा सकते हैं, एडवर्ड के थ्रू पैसा कमा सकते हैं, जैसे फर्स्ट क्राई है या और भी बहुत सारी साइट्स हैं। लास्ट तरीका है, छठा तरीका है ये कि एक एजुकेटर, यानी जो लोग ट्यूशन सेंटर चलाते हैं, कोई कोचिंग चलाता है, तो ऐसे बहुत सारे प्लेटफॉर्म हैं जहाँ पर लोग एक मैथमेटिक्स, साइंस, किसी भी सब्जेक्ट से रिलेटेड क्वेश्चन पूछते हैं और हम उसका आंसर देते हैं। और ये सारा चैनल ऑनलाइन के थ्रू चलता है, नेट के थ्रू चलता है। हमें नहीं पता कि जो हमसे क्वेश्चन पूछ रहा है वो इंडिया में है, अमेरिका में है, जापान में है, जर्मनी में, कहाँ पे है, लेकिन ऑनलाइन क्वेश्चन आया, ऑनलाइन उसका रिप्लाई मिल गया, उसने हमें पेमेंट कर दिया। तो दोस्तों कितने अच्छे तरीके हैं जिसके थ्रू हम पैसा कमा सकते हैं, एक टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो हम सभी को ये टेक्नोलॉजी इस्तेमाल करनी चाहिए, ज़्यादा से ज़्यादा अडॉप्ट भी करनी चाहिए अपनी लाइफ के अंदर, सो दैट कि हम ज़्यादा से ज़्यादा पैसे अर्न कर सकें। तो ऐसा नहीं है कि इन 6 तरीकों के अलावा और कोई तरीका नहीं है जिससे हम चैट जीपीटी के थ्रू पैसा कमा सकते हैं।
लेकिन अब आपके माइंड में ये क्वेश्चन आ सकता है कि भाई जब सारा ही काम हमें चैट जीपीटी से करना है तो इन प्रोफेशनल लोगों की क्या जरूरत, प्रोफेशनल लोग जैसे कंटेंट राइटर, ई बुक राइटर, ब्लॉगर, एजुकेटर, इन सब की क्या रिक्वायरमेंट है। रिक्वायरमेंट है दोस्तों, क्यों? सबसे पहली बात तो ये एक सॉफ्टवेयर है और मशीन है जो कि सिचुएशन और इमोशंस को नहीं समझता। दूसरी बात, इसके अंदर जितना भी डाटा है वो सारा सितंबर 2021 तक का फीड है। अगर मैं इस सॉफ्टवेयर को बोलूं कि एक राइटअप बना दीजिए इनकम टैक्स सेक्शंस के ऊपर जो कि 2019 से और 2023 तक हो, तो ये फेल हो जाएगा। क्यों? क्योंकि इसके अंदर डाटा सिर्फ सितंबर 2021 तक का है। तो हमें एक प्रोफेशनल की रिक्वायरमेंट होगी, वो प्रोफेशनल बेसिक चार्टर्ड अकाउंटेंट हो, कंटेंट राइटर हो, कोई भी हो सकता है वो। तीसरी बात, ये सॉफ्टवेयर इंसान ने बनाया है, सॉफ्टवेयर ने इंसान को नहीं बनाया। आप समझिए एक बात को, इसलिए हमेशा हमें इन प्रोफेशनल राइटर्स की, प्रोफेशनल लोगों की रिक्वायरमेंट होगी। ये सॉफ्टवेयर हमारे काम को आसान तो कर सकता है लेकिन 100% डिपेंडेंसी सॉफ्टवेयर के ऊपर नहीं की जा सकती। तो इन सब रीजंस की वजह से हमें प्रोफेशनल लोग ऑलवेज रिक्वायर्ड होंगे। अब अगली बात आती है, सॉफ्टवेयर से हम पैसे कैसे कमा सकते हैं? सर एक बात को समझिए, अगर एक कंटेंट राइटर एक फ्रीलांसर की तरह काम करे या एक सेल्फ एम्प्लॉयड की तरह काम करे, लेकिन अगर वो खुद से सारी चीजों को लिखेगा तो पूरे दिन के अंदर यकीन मानना वो 5 राइटअप से ज्यादा नहीं लिख पाएगा। लेकिन अगर मैं इस चैट जीपीटी के थ्रू लिखवाऊंगा तो एक दिन में वो कम से कम 20 राइटअप बना के माइनर करेक्शन करके आगे डिलीवर कर सकता है। और ये चीज हम सब लोग समझते हैं कि एक राइटअप बनाने के लिए कम से कम 1000 से 1200 रुपए आराम से चार्ज कर लेते हैं। वैसे तो इसकी चार्जिंग नंबर ऑफ वर्ड्स के अकॉर्डिंग होती है, पर मैं एक लेमैन के अकॉर्डिंग देखूं तो 1000-1200 रुपए बेयर मिनिमम चार्ज है। अगर एक दिन के अंदर किसी ने 20 राइटअप भी डिलीवर कर दिया तो आप यकीन मानिए कम से कम 20,000 रुपये वो कमा सकता है, जो कि एग्जिस्टिंग में भी हो सकता है 5,000 कमा रहा हो या 10,000 कमा रहा हो। तो आप समझ पा रहे हैं इस कैलकुलेशन को कि अगर 5 की जगह 15 हो गया तो कम से कम 10,000 एक्स्ट्रा उसने कमा लिया। इसी तरीके से बाकी सभी फील्ड के अंदर भी एक्स्ट्रा पैसा कमाया जा सकता है इस सॉफ्टवेयर का इस्तेमाल करके। तो दोस्तों अगर आपको मेरे द्वारा दी गई जानकारी अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और लास्ट में बेल आइकन को दबाना ना भूले। लेकिन फिर भी आपके माइंड में कोई डाउट रह गया हो तो नीचे कमेंट सेक्शन के अंदर उसको लिखें, मैं श्योरली उसका रिप्लाई करूंगा। थैंक यू।